ये राष्ट्रीय आपदा ही है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने देश में पहली बार ये कहा था, ये नेशनल कैलामिटी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। इस प्रकार का सूचना और खत प्रधानमंत्री जी को लिखा था। आज सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो भाषा है या उनका जो सुझाव है उसका ऊपर मोर उठा रही है। पूरे देश की जो स्थिति है, जो हालत है, जो हम देख रहे हैं, तो ये नेशनल कैलामिटी है, ये राष्ट्रीय आपदा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये बार बार एक महीने से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को, कि आप जल्दी से जल्दी इस महामारी को, इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब एक्टिव हो गए, उनकी कोरोना लगता है कोर्ट तक पहुंच गया है, उनके घर तक पहुंच गया है। लेकिन कोरोना किसको छोड़ता नहीं, कोई छोटा हो या बड़ा हो। और मैं न्यायालय की चिंता को वाजिब समझता हूँ। जिस तरह से न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स जिस तरह से इस पूरे मामले में अब एक्टिव हो गए, तो उससे कुछ ना कुछ देश को फायदा ही होगा। सर, जिस तरह से देख रहे हैं, कोरोना काल में लगभग आज एक बार फिर 3.5 लाख के ऊपर केसेस आए, कई हजार लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं देख रहे केंद्र में या पूरे देश भर में माहौल जिस तरह से काफी खतरनाक है, बहुत ही दहशत में है लोग। दहशत में है लोग, सदमे में है, लोगों को पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों को ठीक से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र सरकार की पूरी यंत्रणा जिस तरह से काम कर रही है। मैं कल भी बताया था, देश को अब महाराष्ट्र मॉडल के तहत काम करना पड़ेगा। आपने महाराष्ट्र को बदनाम करने की बहुत कोशिश की इस मामले में, लेकिन सबसे बढ़िया काम कोरोना काल में अगर काम हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। उसकी सूझबूझ भी एक दिन न्यायालय जरूर लेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।